हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज अपना ब्लॉग बना रहे हैं, अपन शुरुआत कर रहे हैं मिले में भी ब्लॉग पे आए थे तो वहीं से अपना ब्लॉग शुरुआत कर रहे हैं। देखो मिले ग्राउंड है पूरा, जो यहाँ के लोग हैं उन्हें जानते होंगे मिले ग्राउंड है। अभी मेले में समर नाइट मेला की वो तैयारी चल रही है, बन रही है दुकानें अभी। तो मैं प्रांशु आए थे तो चले यहाँ से चले। तो गाइस वहीं पर ब्लॉग पे आए थे तो मैं देखो प्रांशु बाबू को लेके आया था और मैं आया था और वहाँ पर सब्जी। तो गाइस देखो वो सब्जी मंडी लगी हुई है, मैं ये सब्जी लेने आया और फल। तो चलिए आपको पास से दिखाता हूँ थोड़ा। तो ये देखो गाइस ये चलिए सब्जी मंडी, ये देखो सब्जी फल भी मिलते हैं, सब मिलते हैं। ये पूरा मेला ग्राउंड जहाँ मैच खेलते थे छोटे से, ये पूरा सब्जी मंडी। तो गाइस देखो ये हमारी मीटी है, ये मीटी के बाल नहीं आ रहे, देखो बड़ी है पूरे बाल नहीं आ रहे इसको। इसको इलाज भी करा लिया डॉक्टर से, फिर भी उसको दवाई भी लगाए थे, दवाई भी पिला दी तो भी इसके बाल नहीं आ रहे। शायद बाल इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि क्या जे मिर्ची आ रही सब्जी वगैरह जो आती है वो कुछ खाती नहीं है, ये खाती है सिर्फ क्या है दूध और टोस्ट, दूध पीती है, शायद इसलिए इसके बाल नहीं आ रहे होंगे। अपने बाल के लिए इसके सारे इलाज करा लिए, इसके बाल हो गए और कुछ तो बाल जो वो जाने ही देती तो खुजा रही है अपने बाल उखाड़ उखाड़ देती है अपने। देखो उखाड़ रही है अभी भी मीठी है, देखो उखाड़ रही है, ये काम है इसके। देखो इसलिए रोकने दे रही है, कुछ तो क्या है दूध और टोस्ट खाते उससे भी कारण हो सकता है। पूरा इलाज करा ले डॉक्टर के भी ले गए थे लेकिन इसके बाल नहीं आ रहे। आप कमेंट करके बताना इसके बाल कैसे आएंगे। जी हाल कर रखा है मीठी ने, देखो जी ऐसा ये देखो पूरे बाल में पास से देखा ऊपर देख रहा है, ये देखो कुछ तो आने देती खुद खुजा लेती है तो उखाड़ देती है बाल अपने। जी काम है, घायल आई थी तो हमने पाल ली थी, वो कहीं से उड़ के आई थी घायल में थी तो हमने रख ली थी घर पे, हमने की कहाँ जाएगी तो सही तो हो गई, दवाई भी करा दी इसकी, परों की दवाई भी लिया इसके पर उग गया अच्छे हो जाए, लेकिन ना तो पर आ रहे उसके ना कुछ हो रहा है। जी हाल कर रखा है मीठी ने। अब आप लोग कमेंट करके बताना किसके पर किस चीज से आप आएंगे, क्योंकि दवाई तो हमने करा ली, दवाई से ना रहे कुछ वो आपके नजर में, अगर आपके पास तोते बोले हो तो कैसे आए थे तो आप बताना। और गाइस देखो मैंने कैप सेविंग कर ली, बड़े बड़े डाली थी, बहुत दिन हो गए थे इसलिए पूरा सेट हो गया, इसलिए चेहरा थोड़ा अजीब लग रहा होगा। तो गाइस के लिए जरूर बताना मीटिंग के लिए। और देखो घर में छुट्टी चल रही है जिसे लैपटॉप चलाता रहता है, सारे दिन लैपटॉप चलाता रहता है, ये काम है इसके। तो गाइस एक बार जरूर बताना मीटिंग के पर कैसे आएंगे। तो गाइस इसे देखो मीटिंग को हम मैंने अभी आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि इसके पर नहीं आ रहे तो उसको डॉक्टर के लिए जा रहे हैं। देखो देखो कितने सेफ्टी से ले जा रहे हैं, लग नहीं जा सके इसका पर नहीं आ रहे तो दूसरे डॉक्टर के लिए जा रहे हैं इसको, क्योंकि इसको क्या सही नहीं हो पा रही थी। देखो कैसे बाल नहीं आ रहे ना, इसलिए इसको डॉक्टर के लिए जा रहे हैं दूसरे के। अब वहाँ से दवाई लेके आते हैं तब देखते हैं कि अब से सही होती है कि नहीं होती। इसको ढक के इसलिए ले जा रहे हैं क्योंकि क्या वैसे तो पर नहीं है ऊपर से और गर्मी है तो धूप और लगेगी, तो इसलिए इसे ढक के ले जा रहे हैं, अब से प्राइवेट डॉक्टर के लिए जा रहे हैं दिखाने। देखो तो भाई इसको अब दवाई दिलाने हैं, दवाई दिला के लाएंगे, फिर आपको बताऊंगा कौन कौन सी दवाई लेके आए इसलिए उससे सही होती है कि नहीं होती। तो भाई देखो मीटी की दवाई दिला के लेने गए थे ना तो डॉक्टर ने मना कर दिए कि इसकी दवाई नहीं, इसको मीठी चीज़ खिलाना बंद कर दो क्योंकि सब्जी वगैरह कुछ खाती नहीं है ना मिर्ची वगैरह कुछ खाती जी, तो बस जो खाती है दूध और टोस्ट। डॉक्टर कह रहा है मीठी चीज़ तो टोस्ट मीठे होते हैं दूध, अब तोते वगैरह दूध थोड़े पीते हैं लेकिन जो दूध पीती है इसलिए इसके बाल उग नहीं पा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा वो बंद कर दो और हरी सब्जी वगैरह खिलाते हो जो जो तोता खाता है वो खिलाओ तो उससे बाल आ जाएंगे। तो अब दूध और टोस्ट खिलाते हैं हम तो, और महंगी चीज़ खिलाते हैं
डॉक्टर ने मना कर दी थी कि वो बंद कर दो स्विच के बाल सही हो जाएंगे। दवाई तो खैर लिख दी थोड़ी बहुत उसने। तो गाइस अभी बनने भटूरे, ये देखो, ये देखो चूल्हे पे बनने भटूरे। ऐसे सोचा भटूरे का ब्लॉग बना दूं। जी देखो दिख रहे हैं भटूरे, बढ़िया बनते हैं बिल्कुल होटल लंच जैसे। और जी देखो जी बने रखे हैं टरुआ बाबू जी खा रहे हैं। और छोले की सब्जी ये रही, देखो पास से दिखाओ आपको, ये रही ये रही छोले की सब्जी ये रही। तो गाइस आज बनाए छोले भटूरे, अभी नहीं खा रहा मैं, मतलब ठंडा खाता हूँ, गर्म मेरे बच्चे के जीभ जल जाती है। देखो उस पर बनने चूल्हे पे। तो गाइस अभी मैं आपको छोले भटूरे दिखाए थे, अभी खाऊंगा तब दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा तो कैसा मौसम हो रहा है। गर्मी का टाइम चल रहा है लेकिन मौसम कैसा, बादल से आंधी से हो रहा है। देखो आपको दिखाऊँ, देखो ऊपर देख रहे हैं बादल बादल से, ये आंधी का मौसम हो रहा है जी। देखिए पूरा आंधी से आ रही है बादल से। शाम का टाइम गर्मी लग रही थी तो अब हवा चलने लगी, ऐसा लग रहा आंधी से आने वाली है। तो जी मौसम हो रहा है, देखो बादल दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये देखो पूरे बादल ही बादल, तो मौसम आंधी वाला जैसे हो रहा है। तो झटपट से जल्दी से छोले भटूरे बना लेते हैं और फिर मैंने कहूँगी आंधी आती है तो लाइट चली जाती है, तो जल्दी से फिर आपको प्लेट लगा के फिर दिखाऊँगा। दोस्त की मना करिए तो कोई डॉक्टर ने मना कर दी। तो भाई गाइस आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, आज का ब्लॉग एंड करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।